वुमेन्स वर्ल्ड कप का सेकेंड मैच जो कि पाकिस्तान वुमेन्स और श्रीलंका वुमेन्स के बीच में होने वाला है, हम लोग देखेंगे दोनों टीमें किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, कौन किस पे भारी पड़ने वाला है और ये मैच कैसा हो सकता है। ये मैचेस किसी के भी फेवर में जाए उसे हमें कुछ नहीं लेना, हम किस तरीके से इस मैच में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं उस पर फोकस करेंगे, चाहे वो विनर हो, सेशन हो, एंट्री हो या फिर आप किसी भी तरह का फैंटासी लीग खेलते हो तो उसमें किस तरीके से बढ़िया से प्रॉफिट बना सकते हो उसको एक बार एनालिसिस करते हैं और देखते हैं वीडियो के लास्ट तक आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। तो अब अगर हम लोग इस मैच के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं तो ये सेकेंड मैच होने वाला है इसका, और अगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इंडिया का कौन सा मैच है, तो इंडिया का जो है वो फोर्थ मैच होगा जो कि आपको 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो ये जो होगा थर्सडे को यानी कि 3 अक्टूबर को, टाइमिंग जो होगा वो 7:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि 2 मैचेस पर डे होने वाले हैं, तो एक जो होगा वो 3:30 से और सेकेंड मैच जो होगा वो 7:30 से, और जो इंडिया वाला मैच होगा वो भी सेकेंड मैच होगा तो 7:30 से आपको देखने को मिलेगा। वेन्यू की बात करते हैं तो शारजहाँ में जो है ये मैचेस देखने को मिलेगा लाइव, जो अभी से हॉटस्टार पर देख सकते हो। अब अभी तक जो है आप अगर मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना सको जैसे बाकी लोग बना रहे थे, ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे जो आप मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो कॉल मीडिया सर्च करके, जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है देखने को मिल जाता है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब पिच की बात कर लेते हैं एक बार शारजाह के, तो जैसे पिच का डिटेल्स वीडियो जो है वो मैंने कल अपलोड कर दिया था, तो जो लोग पिच रिपोर्ट वाला वीडियो नहीं देखे हो वो देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल्स में जो है वो समझाया है कि किस तरीके से पिच जो है बिहेव करेगा और वो भी खासकर वोमेंस वाले मैचेस के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो कार्यरत हो जाता है कि आप इसको बहुत डिटेल्स में ध्यान से देख लो। अब एक बार थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो जो ग्राउंड है ना शारजहाँ का, आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि ग्राउंड जो है वो छोटा रहता है और बैटिंग फ्रेंडली पिच रहता है, लेकिन अगर आपने वोमेंस वाले मैचेस बहुत जगह देखा होगा तो जो ग्राउंड चाहे कितना भी बड़ा रहे जो बाउंड्रीज एरिया है वो 54-55 मीटर का जो है बनाया जाता है, तो अफकोर्स जो शारजहाँ का ग्राउंड है उससे बड़ा ही है। तो ये छोटा ग्राउंड होने के बाद भी जो लेडीज वाले मैचेस है यानी जो वुमेन्स वाला मैचेस है उसके लिए ये छोटा ग्राउंड नहीं होगा, नॉर्मल ही ग्राउंड रहेगा। और खासकर नॉर्मल ग्राउंड में जैसे वुमेन्स वाला मैचेस होता है तो जैसे देखोगे हर टीम में एक दो से ज़्यादा पावर हिटिंग नहीं होती है, तो उसके हिसाब से बाकी जो बैट्समैन होते हैं वो जो स्पिन बॉलर होता है उस पर पावर हिटिंग लगाने जाते हैं और जल्दी से कैच आउट हो जाते हैं। तो आप देखोगे कि जो मैचेज होगा उस मैचेज में बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस रहेगा कि जो वुमेन्स वाले मैचेज होता है उसमें स्पिन बॉलर पे ताकत लगाना पड़ता है बाउंड्री निकालने के लिए, जो कि नहीं लगा पाते, जिसके चलते जो स्पिन बॉलर्स होते हैं वो ज़्यादा विकेट लेते हैं। और लेकिन अगर ग्राउंड फास्ट फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन स्पिनर्स पे ज़्यादा विकेट मिलता है हर जगह, चाहे वो ग्राइंड कहीं भी क्यों ना हो। तो वुमेन्स वाले मैच जब भी होगा आपको उस हिसाब से जो है यहाँ पर रख के जाना है अपने दिमाग में कि ये चीज़ें चलेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 10 मैचों में से 5 फर्स्ट मैच जीता है, 5 सेकेंड मैच जीता है, ये वुमेन्स वाले मैचेस की ओडीआई नहीं टी20 की बात कर रहे हैं, और 119 यानी कि 120 मान लो जो फर्स्ट बैट एवरेज जो है इस ग्राउंड पे रहा है, लेकिन अगर लास्ट 5 मैचेस देखोगे तो आपको 124 का जो है फर्स्ट बैट दिखा है एवरेज, तो आप ऐसा मान लो कि जो 120 है वो जो है इसका एवरेज है और इतना एवरेज जो है यहाँ पे रहने ही वाला है। अब टोटल अगर हम विकेट की बात करते हैं तो 52 विकेट गिरा है 5 मैचों में से, जो लास्ट के 5 मैचेज है जिनमें से आप मान लो ऑन एवरेज पर मैच में 10 विकेट, तो दोनों इनिंग अगर मिला के देखोगे तो 5 विकेट 6 विकेट ऐसे जो है दोनों इनिंग से गिरते हुए यहाँ पे नजर आता है। फास्ट बॉलर जब देखोगे तो 17 विकेट लिया है और वही स्पिनर देखोगे तो डबल लिया है 35 विकेट। अब इसका मतलब यही है कि स्पिनर पे जल्दी से बाउंड्रीज क्लियर नहीं होता है और जिसके चलते आपको विकेट के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। अब अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जो 10 मैचेज यहाँ पे हुए हैं उन 10 मैचों से देखोगे तो 8 मैचेज 150 से नीचे है और 150 से 70 के बीच में इसके 2 मैचेज हैं। अब जहाँ पे 8 मैचेज 150 से नीचे, इसका मतलब यही है कि जो मेन स्कोरिंग एरिया है वो 150 से नीचे ही आपको देखने को मिलेगा, और उसमें भी जो ऑन एवरेज 120 का है अगर हम लोग उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं तो आप ऐसा ले लो कि 130-140 के आसपास रन यहाँ पे बनेगा और उसी के आसपास रन बनना चाहिए, अगर उसे कम बनता है तो चेस होने के चांसेस बढ़ जाएगा, और 150 के आसपास यहाँ पे रन बनता है तो वो एक बहुत ही शानदार मैच होगा और अपने काम लायक मैच होगा, जहाँ पे आपको एक अच्छा सा सेशन भी मिलेगा पूरे 20 ओवर तक खेलने का, एक अच्छा एंट्री भी मिलेगा और हो सकता है कि वैसे मैचेज आपको जैकपॉट दे के जाए। तो जब भी 150 के आसपास रन बनेगा तो आप ये सोच लेना कि वो मैचेज जैकपॉट के 90% चांसेज है कि जैकपॉट में कन्वर्ट हो जाएगा,
क्योंकि अगर 150 रन बनता है तो 2 सेकेंड में बैटिंग होता है, वो भी उसी स्पीड से शुरू होता है बैटिंग। तो अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल मत कहना कि अगर जैकपॉट है 150 रन पे तो वो चेस ही हो जाएगा। जैकपॉट उस मैच को बोलते हैं जैसे 20 पैसा 30 पैसा लग गया और बाद में जो है आपको अगले दूसरी टीम जो है फेवरेट आपको 70 पैसा दे दी, 50 पैसा दे दी, तो वैसे में वो जैकपॉट मैच ही भले जीते चाहे नहीं जीते अब अच्छा से जो है ट्रेड करके प्रॉफिट बना लेना। और वैसे यहाँ पे बहुत सारे मैसेज देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग करते रहेंगे टाइम टू टाइम और अच्छे से प्रॉफिट बनाते रहेंगे। अब जो लास्ट के 4 मैचेज है वो लास्ट के 4 मैचों में देखोगे तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का है और 2017 का है, और इसका किस तरह से डिटेल्स रहा जो मैं पिच रिपोर्ट वाला वीडियो था उसमें डिटेल से समझाया है, तो वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगा और उसको जो है आप एक बार जरूर देख लेना ताकि यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हेड टू हेड का दोनों टीमों में, तो लास्ट के 5 सालों में देखोगे तो 7 मैचेज खेली है दोनों टीमें, इनमें से 4 पाकिस्तानों में जीता है और 3 जो है वो श्रीलंकाओं में जीता है। और रिसेंट अगर इनके मैचेज देखोगे तो पाकिस्तान के रिसेंट 4 मैचेज 5 मैचों में सिर्फ 2 जीता है और 3 हारा है, और वहीं श्रीलंका के लास्ट के 5 मैचों में आप देखोगे तो 4 जीता है 1 हारा है। अब हेड टू हेड के लास्ट इनके 5 मैचेज अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे कि जो लास्ट के 5 मैचेज है जैसे यहाँ पर देखो आपको जो है वो श्रीलंका वोमेन जीता, वो भी कितना 141 चेस करके जीता। उसके बाद नीचे देखोगे तो श्रीलंका वोमेन जीता 75 का टारगेट, 76 का टारगेट था जिसे चेस करके जीता, और उसके नीचे फिर देखोगे तो श्रीलंका जीता 121 बना था, 122 का टारगेट चेस करके जीता, और यहाँ पर देखोगे तो पाकिस्तान भी जो है वो मैन जीता है 113 का टारगेट चेस करके, और फिर से पाकिस्तान जीता है 108 का टारगेट चेस करके। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पे इन सब में देखोगे ना तो आपको देखने मिलेगा कि जो यहाँ पे 5 में से 4 मैचेज है उसमें से जो है वो सेकेंड बैट जीता है इनके बीच में, और एक मैचेज जो है वो फर्स्ट बैट जीता है। तो अगर ये 130-135 के आसपास कोई भी टीम में रन बनाती है तो ये डिफेंड करा सकते हैं दोनों टीमें, लेकिन अगर 120 के आसपास रहती है तो दोनों टीमें चेसेबल के कंपेयर में आ सकती है। तो यहाँ पे ये टीमें लेके चलना है, अब इतना ही रन जो है आप सपोज करना है कि सेशन में आप किस तरह से मॉडिफाई करोगे पूरे 20 ओवर में, और उसी के हिसाब से आपको सेशन खेलना है। अब अगर आप प्लेइंग 11 देख रहे हो तो जो रिसेंट इनके मैचेज हुए हैं वो इनके कुछ ये है, ये प्लेइंग 11 है जहाँ पे आप देख सकते हो, अब एक आधा का चेंजेस रहेगा तो आपको टॉस के बाद देखने को मिल जाएगा। अब इसमें से की प्लेयर्स कौन से हैं जिसको जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्लेइंग 11 है जिसको आप वीडियो पॉज करके आप रोक सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और यहाँ से जो है आप ये देख लेना कि कौन कौन से जो है खेलने वाला है। अब एक बार जो है हम लोग देख लेते हैं जो काम के हमारे प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर दोनों टीमों में हम लोग रन की बात करते हैं कि रन कौन सबसे ज़्यादा बताया है, जैसे मुनीबा अली की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो रिसेंट इनके मैचेस देखोगे जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैचेस हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने जीता भी था, उनमें 2-3 मैचों में इनका बहुत बड़ा हाथ था और इन्होंने काफ़ी अच्छे रन जो है बनाए थे, जिसके चलते आप देखोगे तो लास्ट के 5 मैचों में 158 रन है। और वही चमरिया अट्टापट्टी की अगर बात करते हैं तो लास्ट के 5 मैचों में 304 रन है, तो आप इसमें समझ सकते हो कि किस एवरेज से जो है ये रन बने होंगे, ऑलमोस्ट जो है आपको 60-70 का एवरेज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखे जाना है। उसके बाद से यहाँ पे देखोगे एफसाना को तो आप देखोगे 100 जो है वो 24 रन है लास्ट के 5 मैचों में, और एच माधवी को देखोगे तो 200 जो है आपको यहाँ पे 32 रन है। उसके बाद जी फरीजा को देखोगे तो आपको 115 रन है, और यहाँ पे जो है दिलधारी को जो आप देखोगे तो यहाँ पे देखने मिलेगा कि यहाँ पे 107 रन है, बाकी उसके बाद नीचे आपको इस तरीके से देखने के जाएंगे। तो अगर आप बैट्समैन सेलेक्ट करते हो, ऑलराउंडर सेलेक्ट करते हो, तो ऊपर के जो 6 प्लेयर्स हैं आप इनको लेके जा सकते हो अगर ये प्लेइंग 11 में रहते हैं तो, और ये आपके लिए जो है एक अच्छा सा बेनिफिट जो है आपको देते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग यही बात करते हैं विकेट के लिए, तो विकेट के लिए देखोगे तो यहाँ पे भी पाकिस्तान अभी जो है वो थोड़ा सा आ गए, जैसे रन में देखा श्रीलंका आ गए। विकेट में देखोगे तो एस इकबाल का 12 विकेट है लास्ट 5 मैचों में, और वही दिलहारी का जो आप देखोगे तो आपको देखने लगेगा कि यहाँ पे 6 विकेटेड है। यही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डी बैग का जो आप देखोगे तो 5 विकेट है, और यहाँ पे देखोगे तो आपको ऊपर बुधानी का जो है आपको देखने लगेगा तो 6 विकेटेड है। इस तरह से जो आप एस जो है जी महानी का देखोगे तो श्रीलंका की तरफ से 6 विकेट है, और वही एन संधू का देखोगे तो 4 विकेट है। तो ये जो है आपको कुछ विकेट्स है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब इनमें से जो टॉप प्लेयर्स है जैसे यहाँ से अगर आपको 6-7 जो 8 प्लेयर्स है इनमें से आपको स्विच करना है, और ऊपर से यहाँ से जो 5-6 प्लेयर्स है इनमें से जो आपको स्विच करके बहुत अच्छे अच्छे टीमें जो है बनानी है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सके अगर आप किसी भी तरह का जो है फैंटासी लीग खेलते हो तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे ध्यान रख लेना कि आपको कैसे टीम जो है बनाना है। अब यहाँ पे जो मैंने टीम बनाया है वो स्मॉल लीग के लिए है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने मुनीबॉल को कैप्टन बनाया है और अट्टापट्टी को जो है आप यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाया है। तो आप चाहो तो इसे रिवर्स भी कर सकते हो, अट्टापट्टी को आप कैप्टन बना के जा सकते हो और मुनीबा अली को जो है वाइस कैप्टन बना के जा सकते हो, लेकिन अगर आप जीएल के लिए जाते हो तो ये जरूर करना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट 60-70% लोग जो है आप चमेली अट्टापट्टी को कैप्टन बना के लेके जाएंगे। तो आपको तो अगर जीएल के लिए जाते हो थोड़ा सा डिफरेंट जाना,
तभी जो है आप यहाँ पे कर पाओगे बहुत अच्छे से। फिलहाल के लिए ये टीम है, बाकी टीमें जो आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और नंबर मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो। और आप टेलीग्राम पे चाहते हो कि आप ड्रीम इलेवन से रिलेटेड सारे टीम जो आपको मिल जाए, तो ये जो है स्क्वाडिंग इलेवन सर्च करके आप यहाँ पे जुड़ सकते हो डायरेक्टली स्कैन करके, और व्हाट्सएप के लिए आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना सको, तो ये जो व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, यहाँ पे आपको इस रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। और अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो कॉल प्लीज़र सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको इस मैच से रिलेटेड सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।